सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को इंद्र कुमार मौर्य स्वर्णिम भारत नवनिर्माण की तरफ से और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से सबको जय सम्राट, जय शक्ति भारती। साथियों, मैं आज अपनी बात को भारत के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह के विरोध में अपनी बात को रख रहा हूँ। 20 जुलाई को लोकसभा शीतकालीन सत्र में राजनाथ सिंह जी ने विश्व गुरु घराने या विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले तथागत महात्मा गौतम बुद्ध और अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और विश्व विजेता सम्राट अशोक मौर्य, राष्ट्र शिक्षक गुरु राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले के वंशजों को अपने शब्दों में जिस तरह से अपमानित किया है, उसके लिए मैं राजनाथ सिंह का घोर निंदा करता हूं। पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरे सत्य भारतीयों की तरफ से, जो भी सत्य भारतीय हैं उन्हें ऐसे व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। हमारे जितने भी क्षेत्रीय, प्रादेशिक, जिले स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी राजनैतिक व सामाजिक स्वजातीय बंधु या मूल भारत के सत्य भारतीय जो हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अखंड भारत के निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का इन्होंने जो अपमान किया है, मैं राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि भारत में ऊंच जातियां क्या होती हैं और नीच जातियां क्या होती हैं। उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर सभी सदस्यों के सामने, सभी देशवासियों के सामने चंद्रगुप्त जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुत गलत है। इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी और राजनाथ सिंह को विशेष तौर पर भुगतना पड़ेगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ये राजनाथ सिंह घनानंद का काम किया है। जिस तरह से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था, आने वाले समय में निश्चित तौर पर समाज के लोग इसे छोड़ेंगे नहीं और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से घनानंद की तरह राजनाथ सिंह को भी नष्ट करेंगे और इसके इस घमंड को चूर करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। दोबारा कोई ऐसा चंद्रगुप्त होगा जिस शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि एक साधारण परिवार से कोई व्यक्ति आएगा जो चंद्रगुप्त बनकर इस घनानंद का जो है सर्वनाश करेगा, राजनाथ सिंह अपने जिस भी घमंड में है वो पूरा का पूरा घमंड इसका टूट जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत पहले भी मौर्यों का राज्य था और आज भी है। सरकार किसकी भी हो, कोई भी दावा करे कि सरकार कांग्रेस की है, सरकार एनडीए की है, यूपीए की है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावा करता हूं कि कभी भी भारत में मौर्यों के अलावा किसी का राज्य नहीं चला है। राजा वही होता है, राज्य उसी का होता है जिसकी तीन चीजें होती हैं, मुद्रा और राष्ट्रीय ध्वज और सेना। मैं दावे के साथ पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि विश्व इस चीज का गवाह है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग समझदार हैं और जानते हैं कि ये आज भी हमारे इस आजाद भारत में मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ ऐसी विचारधाराओं के जो एक तीसरी गुलामी देश को मिली वो लोग नहीं गए। उनकी मानसिकता आज भी यहां सत्य भारतीयों के खिलाफ घृणित है। उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर जरा भी समझदारी है, जरा भी तुम्हारे अंदर सूझबूझ है, तो आंख उठाकर, आंख खोलकर देख लो। इतिहास गवाह है, विश्व का इतिहास गवाह है कि आज भी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का ही राज्य चल रहा है। जैसे कि हमने कहा कि जिसकी सेना होती है, जिसका ध्वज होता है, जिसकी मुद्राएं होती हैं,
देश में उसी का राज्य होता है। तो निश्चित तौर पर आज एक रुपए का सिक्का हो या 2000 की नोट हो, उस पर नजर उठाकर देख लीजिए तो मौर्य वंशी सम्राट अशोक मौर्य का वो लाट है। अगर वही लाट ना रहे तो दावा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी महापुरुष का कोई भी पहचान चिन्ह उस नोट पर, उस सिक्के पर छाप कर बताए और उसे एक चॉकलेट भी किसी दुकान से खरीद कर लाए, जीवन भर मैं उसकी गुलामी करूंगा, जीवन भर मैं उसके घर झाड़ू मारूंगा। सिवाय सम्राट अशोक की लाट के एक भी सिक्का, एक भी नोट हमारे देश में नहीं चल सकता। यह हुआ मुद्रा। दूसरा मैं बताना चाहता हूं इन लोगों को जिन्होंने उंगलियां उठाई है, उनको बताना चाहता हूं और दावा करता हूं कि देश का राष्ट्रीय ध्वज, जिसके झुकने से देश का सम्मान झुक जाता है, स्वाभिमान झुक जाता है, उस पे भी सम्राट अशोक का धर्म चक्र है, धम्म चक्र है। तीसरी चीज, सेना। इतिहास गवाह है कि पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं के पास भी यही निशानियां होती थी, उनकी अपनी मुद्राएं होती थी, उनका अपना राष्ट्रीय ध्वज होता था जिससे उस राजा की पहचान होती थी। तीसरा होता था सेना। तब सेनाएं घुड़सवार, पैदल और हाथी हुआ करते थे। आज की सेना वायुसेना, थल सेना और जल सेना है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं इन लोगों को, जो ना समझदार लोग हैं, जरा नजर उठाकर देख लो, अगर हमारे देश की आजाद भारत में आज भी ये तीनों सेनाओं के सर पर जो मुकुट होता है, जो टोपी होता है, उस पे सम्राट अशोक की लाठ होती है, ना कि किसी और की। सेना भी सम्राट अशोक मौर्य की, मुद्राएं भी सम्राट अशोक मौर्य की और राष्ट्रीय ध्वज भी सम्राट अशोक मौर्य का, जिनके पितामह चक्रवर्ती अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य रहे, उनके बारे में ऐसा घृणित शब्दों का प्रयोग करके राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी गलती की है। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये राजनाथ जी को हम बता देना चाहते हैं कि तेज का नौजवान और सत्य भारती कभी शांति से नहीं बैठेगा। आप इस मौर्य वंश को ये मत समझना कि ये केवल साग भाजी करने वाले लोग हैं। अरे, हम उस कौम के लोग हैं जो जड़ लगाते हैं और जड़ उखाड़ते हैं, दोनों काम करते हैं। जिस दिन देश की जिस राजनीति को चाहेंगे उसकी जड़ लगा भी देंगे और उखाड़ भी देंगे। और दावे के साथ कहता हूं कि 2019 अगर इन्होंने इसी शीतकालीन सत्र के अंदर लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पूरे देशवासियों के सामने अगर इन्होंने गलती नहीं मानी तो इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। देश में क्रांति आ चुकी है, लोग सड़क पर उतर गए हैं, संसद तक पहुंचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुख सिर्फ इस बात का है कि प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर करने वाले राजनीति और सामाजिक संगठन जितने हैं हमारे अपने, वो सभी चुप बैठे हैं। इनकी चुप्पी आज इस परिस्थिति को कमजोर कर रहा है। लेकिन विरोध करने वालों को हम बता देना चाहते हैं कि शेर सोया है तो उसे कमजोर मत समझना, उठेगा तो नेस्तोनाबूद कर देगा। आने वाला समय वापस यही लोग जो है अपने हाथ में अपने सिंहासन तक पहुंचेंगे। तो साथियों, मैं इंद्र कुमार मौर्य पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये दोबारा कहना चाहता हूं कि होश में आओ, ऐसी घृणित बात करने वाले, नहीं तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज के इस संक्षिप्त संदेश के साथ पूर्ण विराम करता हूं। जय सत्य भारती, जय चंद्रगुप्त, जय सम्राट अशोक।